हाय गाइस, यदि आप भी एक प्रोफेशनल टाइप के व्हाट्सएप स्टेटस को बनाना चाहते हैं और वो भी फुल स्क्रीन कुछ इस तरह जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, तो आप इस वीडियो पे बने रहिए और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इस प्रकार के वीडियो को कैसे बना सकते हैं जिससे कि लोग यदि देखेंगे तो वो देखते ही रह जाएंगे और आपसे आपको पूछने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये आपने कैसे किया या आपने किस एप्लीकेशन की मदद से बनाया। तो ये सारी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो हाय गाइस, आई एम पीयूष कुमार सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल पीयूष सिंह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी पकपास के। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको कौन सा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये प्ले स्टोर से एमबी मास्टर को आपको डाउनलोड कर लेना है। यदि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको इस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। आप जब इसे ओपन कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। देख सकते हैं आपको इसमें बहुत सारे फ्रंट दिख जाते हैं। जो मैंने जो इसमें फ्रंट का यूज किया है वो इस प्रकार का है। आपको बहुत सारे इसमें फ्रंट मिल जाते हैं। यदि मैं इसे शुरू से बताना स्टार्ट करूँ तो इसमें बहुत सारे टाइम लग जाएगा। तो मैं इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे फ्रंट है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रंट इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आता हूँ इस फ्रंट पे जो कि आपको एडिट करना है और इसे बनाना है। इसके लिए आपको इस पे जस्ट टैप करना है और उसके बाद स्टार्ट मेकिंग, यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्ट मेकिंग का ऑप्शन मिलेगा। स्टार्ट मेकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बस यहाँ स्टार्ट मेकिंग के ऑप्शन पे आप आ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ एक एक करके आपको फोटो ऐड करना है। देखिए फर्स्ट में जैसे ही कॉल आएगा तो उस समय जो आप फोटो शो करना चाहते हैं तो उसको आप दे दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ एक फोटो को दे देता हूँ। जैसे मैंने इस फोटो को दिया, जैसे देख लीजिए मैंने इस फोटो को दे दिया। अब मैं इसे यहाँ टिक करके श्योर कर देता हूँ। इसे आप क्रॉप भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से इसे क्रॉप कर देता हूँ और मैं इसे शुरुआती में दे देता हूँ। जब कॉल आएगा देख सकते हैं, कॉल आएगा तो ये जब उठेगा तो इस पर करोगा और उसके बाद हम फोटो लगाते हैं। अब इसमें अब इस फोटो जब लगाते हैं तो मैंने इस पर श्योर पर क्लिक किया। अब उसके बाद मैं इस फोटो को इसमें ऐड करता हूँ। अब देखिए कुछ इस प्रकार से हमको आइकॉन देखने को मिलेगा। देखिए अब दो फोटो को ऐड कर दिया। अब हमको इस पर क्लिक करके अब तीसरा फोटो को ऐड करना है। तो तीसरा फोटो मैंने कुछ ऐसा फोटो ऐड कर दिया, देख सकते हैं मैंने तीसरा फोटो इसे ऐड कर दिया। ऐड कर दिया। अब इसी प्रकार से आपको और जो दो, यहाँ तीन फोटो आपने ऐड कर दिया, अब दो और फोटो ऐड कर दीजिए आपको जो इसमें अच्छा लगे। जैसे मैं फोटो ऐड कर देता हूँ, मैंने ये फोटो ऐड कर दिया। इसे फोटो को मैंने किया यहाँ पे, उसके बाद क्रॉप करके मैं इसे ऐड कर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इतना सा को मैंने क्रॉप करके ऐड कर दिया। उसके बाद अब आते हैं हम दूसरी ओर, तो उसके बाद हम फिर किसी और फोटो को क्रॉप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कोई भी आप फोटो ले सकते हैं, आपके मन पर डिपेंड करता है। तो मैंने इस पर यहाँ क्लिक किया, श्योर पर क्लिक किया। अब हम इस पर क्लिक करके हम इसे ऐड कर देते हैं। तो गाइज फाइनली हमारा सभी फोटो ऐड हो गया है। अब यदि आप इसमें म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो चेंज म्यूजिक पे जाके आप क्लिक करके आप यहां से सब म्यूजिक सबको जिसे अभी आप देना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेट को ऑन रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नेट को ऑन नहीं रखते हैं तो आप में प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए फाइनली आपका जो स्टेटस बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप शुरू से देख लीजिए, ये इस प्रकार से बनेगा। आप देख लीजिए शुरू से कुछ इस प्रकार से। जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आप बहुत प्रकार के फोटो को ऐड कर सकते हैं। जो आप इसमें कुल मिला के 5 फोटो को ऐड कर सकते हैं सिर्फ इस फ्रंट में। आपको इसमें ऐसे कई फ्रंट मिल जाते हैं। उसके बाद जब इसे आपने बना लिया, अभी एक्सपोर्ट करना है तो आपको यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए और आपको हाई क्वालिटी में सेव कर लेना ताकि देखने में अच्छा लगे। तो हाई क्वालिटी में क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप रेक्टेंगुलर पे चल रहा है और ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ 85, 89 इस 100% हो गया। अब यदि आप इसे गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो गैलरी में डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। अब सेव गैलरी में कर लिया, अब उसके बाद बैक टू हम आ गया। देखिए अब यदि आप दूसरा फ़ॉन्ट को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार के फ़ॉन्ट को और ये कुछ इस प्रकार के फ़ॉन्ट से, तो आप उसको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत आपने बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप स्टेटस में देखा होगा लेकिन आप इसे बनाना नहीं जानते होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि आपको कैसे इसे बनाना है। देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे फॉन्ट मिल जाते हैं। अब यदि 26 जनवरी का बनाना चाहते हैं तो उसको भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप इसे ढूंढ लीजिए, उसके बाद आप देखिए और आपको जो जो फॉन्ट पसंद आए तो आपको इसमें पसंद हो के सिर्फ आपको फोटो एड करना है और जो भी करना है सिर्फ यही करेगा। आपको सिर्फ फोटो एड करना है, उसके बाद देखिएगा ये कमाल का, तो ये कमाल का एक फ्रंट बना के देगा। आप देख सकते हैं। तो आप यदि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
तो हमने इस वीडियो में सीखा कि कैसे हम प्रोफेशनल टाइप के वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस के लिए बना सकते हैं। अब जब इसे आप व्हाट्सएप पे पब्लिश कीजिएगा, जैसे कि देखिए मैंने व्हाट्सएप पे पब्लिश किया है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए कितना औसम देखने को लग रहा है, यहाँ कितना औसम देखने को लग रहा है, आप देख सकते हैं कितना मस्त। यदि कोई देखेगा तो जरूर एक बार कहेगा कि आपने इसे कैसे बनाया। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो सिर्फ आप वो रीजन हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम अगले आने वाली वीडियो में हम उस बातों का ध्यान रख पाएं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी फैक्ट से रिलेटेड, तो आपको वो वीडियो की नोटिफिकेशन चली जाए सबसे पहले, और आप हमारे चैनल से अपडेटेड रहें। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए टेक्निकल पीयूष के साथ। ओके बाय।